हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आजकल यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि हर कोई शॉर्ट्स वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा है और उससे कुछ लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप में से कई सारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि यूट्यूब पे अपनी शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड करने का सही तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी यूट्यूब की जो शॉर्ट वीडियो जो आप बनाते हैं उसको यूट्यूब पे अपलोड करने का सही तरीका क्या है। और ये मैं आपको सारा प्रोसेस मोबाइल फ़ोन से ही करके दिखाऊंगा। आप अपने मोबाइल से ही इजीली शॉर्ट्स वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले अपने यूट्यूब की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जाना है। तो ये हमारी यूट्यूब की जो एप्लीकेशन है, मैं इस पर ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये इस तरीके से खुल जाएगी हमारे फ़ोन में। और हमें अपने अकाउंट से इसमें लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको ये नीचे सेंटर में प्लस का एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपके सामने आते हैं, अपलोड ए वीडियो, क्रिएट ए शॉर्ट, गो लाइव। तो अगर आपने कोई शॉर्ट वीडियो बना के पहले से रखी हुई है तो उसे आप अपलोड ए वीडियो पे क्लिक करके गैलरी में से उसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और अगर आपने कोई शॉर्ट वीडियो नहीं बनाई है तो यहाँ पर आप क्रिएट ए शॉर्ट पर क्लिक करेंगे। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊँगा। तो पहले मैं क्रिएट ए शॉर्ट पर क्लिक करके आपको बता देता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से बैक कैमरा हमारा खुल चुका है। ठीक है, यहाँ पे थ्री ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, फ्लिप, स्पीड और टाइमर। फ्लिप करने से ये कैमरा फ्लिप हो जाएगा, मतलब फ्रंट कैमरा आ जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे स्पीड का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से स्लो हो जाएगी, 2x 3x करेंगे तो फास्ट हो जाएगी, 1x पे ही रखते हैं। उसके बाद यहाँ से टाइमर है, टाइमर को आपको काउंटडाउन है जो है वो आप यहां से सेट कर सकते हैं, 3, 10 और 20। और उसके बाद यहां पे जो वीडियो बनेगी वो 15 सेकंड तक की आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके टाइम को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से या तो आप यहां पे 3 सेकंड का करके यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से कैंसिल करके अगर आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना है तो आप ये जो रेड का जो राउंड आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हो जाएगी जितने भी सेकंड की आप करना चाहें। उसके बाद नीचे जो ये डन का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस डन वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, जैसे म्यूज़िक, टेक्स्ट, टाइमलाइन, फिल्टर्स। तो यहाँ से म्यूज़िक पर क्लिक करेंगे और म्यूज़िक पर क्लिक करके आप कोई भी म्यूज़िक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यहाँ से म्यूज़िक ऐड ना करें क्योंकि उससे आपके जो वीडियो है या चैनल है उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो आप अगर आपको म्यूज़िक यूज़ करना है तो आप वही म्यूज़िक यूज़ करें कौन नॉन कॉपीराइट हो। ठीक है, नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, जैसे होम। यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं ऊपर, यहाँ से आप इसे बोल्ड कर सकते हैं जैसे ये, इसमें आप कलर कर सकते हैं। ठीक है, डन कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो। उसके बाद यहाँ पे टाइमलाइन है, यहाँ पे आप होम को कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, पूरे में दिखाना चाहते हैं, ये वहीं पे स्टार्ट होगा। जैसे आप देख सकते हैं, अब ये जहाँ पे मैंने टाइमलाइन सेट करी थी वहाँ पे होम आ गया। उसके बाद फ़िल्टर्स हैं, अगर आप चाहें तो इसमें फ़िल्टर्स लगा सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर जो ऊपर दिखाई दे रहा है इस नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और ये इस तरीके से आ जाएगी। और उसके बाद जैसे आप अपलोड करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगी। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आपने कोई शॉर्ट वीडियो अलग से बना के रखी हुई है, इसको बैक कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, इसको भी बैक कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, ये भी कैंसिल कर देंगे, सेव, डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस पर हम क्लिक करेंगे और अपलोड ए वीडियो पर जो हमारी गैलरी में है उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो जैसे मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगी।
आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको टाइटल है, यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हैं कुछ भी, आपको टाइटल में क्या लिखना है इसी को इंग्लिश में जैसे मैंने इसमें बताया है, हाउ टू क्रिएट वाइटी शॉर्ट्स, इस तरीके से लिख सकते हैं आप, और इसी को हिंदी में भी लिख सकते हैं वाइटी शॉर्ट्स, या ऐसे लिख सकते हैं यूट्यूब शॉर्ट वीडियो कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, ठीक है, इस तरीके से। और आपको टाइटल में क्या करना है, यहाँ पे आपको हैशटैग लगाना है शॉर्ट्स का, SHORTS, ये शॉर्ट्स का हैशटैग आपको ज़रूर लगाना है टाइटल के अंदर भी। उसके बाद आपको डन कर देना है ये। उसके बाद नीचे आपको ये पब्लिक विजिबिलिटी के ऑप्शंस मिलते हैं, इस पर क्लिक करके आपको अभी सबसे पहले इसको अनलिस्टेड करना है, अनलिस्टेड पे ही सेट करके आपको अपलोड करनी है, क्योंकि हमें इसमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी है, वो मैं सब आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे आपको सही तरीके से इसको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑडियंस है, तो यहाँ पे आप नो करेंगे, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, उसके बाद बैक आ जाएंगे, और यहाँ पे जो ऊपर आपको अपलोड का बटन दिखाई दे रहा है, आप इस अपलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ये यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं लाइब्रेरी का जो ऑप्शन है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि अपलोड हो रही है। तो अब हम यहाँ से बैक आ जाएंगे, अब हमें जाना है YT स्टूडियो की एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी वीडियो शो हो रही है, हाउ टू क्रिएट YT शॉर्ट्स, जो मैंने अभी अभी वहाँ पे डाली थी, अपलोड हो रही है अभी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अब ये अपलोड हो चुकी है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं विजिबिलिटी अनलिस्टेड है, रेस्ट्रिक्शन नन है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें ऊपर जो आपको पेंसिल का जो आइकन दिखाई दे रहा है एडिट का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, टाइटल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन सब कुछ यहाँ पे ऐड करना है हमें। उसके बाद टाइटल तो हमने लिख दिया था, इसी को हम कॉपी भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो हम चाहें तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड डिस्क्रिप्शन जो है इसके अंदर जैसे हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन वो सब हमें लिखना है, और यहाँ पे हमें हैशटैग शॉर्ट्स ज़रूर लगाना है। उसके बाद आप जैसे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं आपके बाकी वीडियोस में आपको वैसे ही इसके अंदर भी लिखना है, इसी वीडियो से रिलेटेड मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको शॉर्ट्स हैशटैग शॉर्ट्स टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों में लगाना है, बाकी चीज़ें आपको जैसे आप लिखते हैं बढ़िया सा टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन वीडियो के बारे में वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो ये अनलिस्टेड वाला है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसे पब्लिक पे क्लिक कर देना है, या इसको हम बाद में कर लेंगे, बैक आ जाते हैं पहले। यहाँ पे हमें ऐड टू प्लेलिस्ट जो है, यहाँ पे आप अगर आपकी कोई शॉर्ट वीडियो की आपने प्लेलिस्ट बना रखी है तो आप उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे आपको टैग्स ऐड करने हैं सारे, जैसे YT शॉर्ट्स शॉर्ट वीडियोस, इस तरीके से आपको अपनी वीडियो से रिलेटेड यहाँ पे टैग्स लगाने हैं, हैशटैग शॉर्ट्स का एक इसमें भी डाल देना, इससे रैंक कर जाती है वीडियो कई बार, क्योंकि कोई भी अगर शॉर्ट्स के नाम से सर्च करेगा तो आपको वीडियोस वो आपकी सर्च में दिखाई देगी उसको। और यहाँ पे YT स्टूडियो कैसे से वीडियोस कैसे अपलोड करते हैं या शॉर्ट्स वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, ये सारे टैग्स आपको अच्छे से लगाने हैं इसके अंदर। मैंने आपको बस बेसिक चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ कि आपको सही तरीका क्या है लगाने का। उसके बाद यहाँ पे आपको, यहाँ पे अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग के बाद आपको मोनेटाइजेशन का भी एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे जाके सारे मोनेटाइज जो है आपके चैनल की जो भी एड्स हैं वो सारी ऑन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग है, एडवांस सेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी है, आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं जो आपके चैनल की कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ पे लाइसेंस है, स्टैंडर्ड ही रहने देंगे इसका। उसके बाद यहाँ पे कमेंट्स है, एलो कमेंट्स आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, रेटिंग कर सकते हैं इस वीडियो को वो भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। एलो एम्बेडिंग ये हमें एलो करनी है, ठीक है, इसको भी डिसेबल इनेबल कर सकते हैं आप, ठीक है। बेसिक इन्फो हो गई, उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक इन्फो में ही ऊपर यहाँ पे ये जो पेंसिल का आइकन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे थंबनेल जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर आपने कोई बना रखा है तो आप कस्टम थंबनेल पे क्लिक करके गैलरी से उसे यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो आप इनमें से वीडियो के अंदर से ही उठा लेता है ये, तो किसी भी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से जो ये अनलिस्टेड है इसको पब्लिक कर देंगे,
और उसके बाद यहाँ से इसे सेव कर देंगे। तो ये हमारी वीडियो अब पब्लिक हो चुकी है, कोई भी इसे देख सकता है। तो इस सही तरीके को यूज़ करके आप अपनी शॉर्ट वीडियो को बनाएं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आप सबने देखा कि किस तरीके से आप अपनी शॉर्ट वीडियो बनाकर उसे यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसे लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।